प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस टाइम पे हम जो है नमाज फजर वगैरह अदा करके भी आए हैं किचन में। अभी नाश्ता वगैरह बनाना है और नाश्ता वगैरह बनाते हैं और फिर साथ साथ में जुड़े रहिएगा। आगे की जो भी रूटीन है वो आप सबसे शेयर करिएगा। चाय मैंने जो है चढ़ा दी है, अभी चाय वगैरह बनती है। बच्चे अभी तक उठे नहीं है, थोड़ी देर में उठेंगे, फ्रेश होंगे। आज असल में मैं जल्दी उठ गई हूँ, ऊपर सोए थे तो 6 बजे मेरी आँख खुल गई। तो सबसे पहले मैंने उठने के साथ वाशरूम का पानी वगैरह भरा बाल्टियों से और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। तो ये चाय जो है मैंने मीठी बनाई है सबकी, और ये चाय मेरी है, ये फीकी बना अम्बाला है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आधे गिलास पानी में 1 चम्मच मैंने भिगोया था रात को, और अभी ये मुझे नहार में पीना है, ये वेट कम करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह से बहुत स्पीड से वेट कम हो रहा है। चाय जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और दूसरी चाय पे भी उबाल आ रहा है। तो इसके बाद जो है अभी अंडे वगैरह फ्राई करते हैं और उसके बाद पराठे बनाने की। तैयार चाय, दिल बहार चाय, वाह चाय, क्या बात है, तैयार हो गई है। और सुबह सुबह मुझे नाश्ता बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, और ये 2-3 दिन से तो मज़ीद गर्मी हो गई। तो सुबह सिर्फ मैं एक ये प्याला चाय पीती हूँ और जब काम पे निकलती तो 2 गिलास पानी, बस नाश्ता वगैरह मेरा यूँ समझे ख़त्म हो गया है। वगैरह धुल चुके हैं और बर्तन वगैरह समेट लिए हैं। आज असल में जो है मेरा टाइमिंग जो चेंज हो गया है, तो आज जो है मुझे जाना है 11:30 बजे काम पे निकलना है। तो इंशाल्लाह अभी ये बस काम काज मैंने निपटा लिया है और ये अभी ये किचन से थोड़ी सफाई होगी, सफाई करके फिर काम की रवानगी करते हैं। खैरियत से असल में बस रहा, घर से मैं जो है आप सबसे नहीं शेयर कर पाई, थोड़ा जल्दी में थी। चुके हूँ और घर पहुँच के 5 मिनट मैंने सांस वगैरह ली और अभी इस टाइम पे मैंने ये शाम की चाय शुरू कर दिया है, तैयार हो गई है और मैं नहायत थक गई हूँ और गर्मी ने मेरा बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। बाल करने के लिए दरअसल बहुत टाइम लग जाता है आजकल जो है, लोग डालने के लिए भी मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। जहाँ काम करती हूँ वहाँ तकरीबन 8-10 बंदे आए हैं मेहमान, जिनकी वजह से मुझे जो है सुबह 9-10 बजे जाना पड़ता है और शाम को आता है तो मुझे 5 बज जाते हैं। आ गया है और अब जो है ये दूध, अंडे और तेल वगैरह ये सारा सामान आ गया है। तो अब सबसे पहले आटा गूंथते हैं अभी का और सुबह नाश्ते का।
तो इस टाइम पे तैयारी करते हैं नाश्ते के हिसाब से और खाने के हिसाब से आटे की आटा वगैरह गूंथते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है चने की दाल चढ़ाई है और लाइट भी नहीं है अभी तक, तो बस चने की दाल वगैरह तैयार होती है। चलो मात करके जरा रहता आटा भी चक्की ना पुश किया कितनी ना किलो वे ओ बाजी देते हो ना 250 रुपये देते 100 रुपये ने वो मंगी और साल से अगर ना मिले तो फिर डंडे आ तो 150 आटे नहीं देते सो पता नहीं कितनी ना किलो आटा वे चक्की वाला नरम आटा ज़बरदस्ती गल चुकी है। और इस टाइम पे जो है हम लोग मसाला बनाने की तैयारी करते हैं साथ साथ में, तो इसका मैं पानी निकाल दूंगी ऊपर वाला सारा और फिर दाल को डाल के फ्राई करेंगे हैं पौधे के साथ, क्योंकि मशीन फुल भरी आप सबको भी पता है कि इतने दिन हो गए मैंने मशीन नहीं लगाई, असल में टाइम ही नहीं मिला है, बस मेरा काम का टाइम थोड़ा आउट हो चुका है, काफ़ी सारे मेहमान हैं जिस वजह से मुझे सुबह सवेरे जाना पड़ता है 10-11 बजे और वापसी आती हूँ तकरीबन 5:30-6 तो पक होते हैं, तीसरा दिन है और मैं यहाँ थक भी जाती हूँ तो इसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे मसाला मैंने इसमें लाल कुटी मिर्च काली मिर्च पीसी और मिक्स मसाला और टमाटर सब मैंने डाल दिया है, और आम मसाले की तरह ये मसाला भी मैं इसी तरह पीसूँगी, प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए, लहसुन भी ताकि वो कच्ची स्मेल ना आए, और फिर उसके बाद जो है मैं आगे का मसाला भी तैयार कर रहे हैं। बस प्याजों को भी निकालते हैं और पीसने के लिए डाल देते हैं। मसाला तैयार हो गया है और इसको अच्छी तरह भून देते हैं पहले, और भूनने के बाद इसमें दाल डालते हैं फिर। और देखिए ग्रेवी वाला कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा लुक आया है तेल के हवाले से। इसमें तेल असल मैंने कम डाला था, असल मैं आप सबको बताऊं मैं थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है तो तेल वगैरह मैं बिल्कुल कम इस्तेमाल कर रही हूँ। सुबह का पराठा भी मैंने छोड़ दिया है, बल्कि मैं सुबह सिर्फ और सिर्फ चाय पीती हूँ, और फिर दोपहर में 1-2 खीरे लेती हूँ, और फिर शाम का खाना जो वो मैं वक्त से खाती हूँ। रेडी हो चुका है और आटा भी तैयार हो चुका है। मैं सोच रही हूँ कि रोटियाँ जो है बाहर तंदूर से लगवाऊँ, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पकाने वकाने की, बड़ी मुश्किल से मैं किचन में आई और इतना सारा मैंने काम किया। मैं कहती हूँ कि भाई ये पेड़ ले जाओ भट्टी पर ताकि भट्टी वाला रोटियाँ लगवा दे, क्योंकि आज बिल्कुल भी सांस मुझे नहीं है। 1-2 रोटियाँ मैं घर में बना लूँगी हाथ पे, बाकी आज से लगवा दूँगी। दही है मैंने पर तड़का लगाया, ये खीरे हैं और ये रोटी। तो प्यारे बहन भाई आप सबसे जो है इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक ही बाय, अल्लाह हाफिज़।